आर्मेनिया की रूस से दूरी, नेटो से दोस्ती। ये देखिए अब जो जानकारी है, ये देखिए अब जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूं, 19 सितंबर को अजरबैजान ने नारगानो काराबाग पर कब्जा किया, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कब्जे को लेकर आर्मेनिया रूस पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया। फिर ये देखिए आर्मेनिया ने रूस पर 2020 सीज़फ़ायर डील तोड़ने का आरोप, रूसी पीसकीपर्स ने अजरबैजान अजरबैजान को रोकने की कोशिश नहीं की, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। सीधे आइए राहुल इसके की ग्राफिक्स पर आइए, जो बड़ी खबर है, क्या नेटो वर्सेस रूस अब आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान के युद्ध में होगा, ये देखिए जो हमारे पास, सीधे पीछे स्काई कर दीजिए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए आर्मेनिया ने रूस का क्या नेटो वर्सेस रूस अब आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान युद्ध में होगा, ये देखिए आर्मेनिया ने रूस का साथ छोड़ दिया और अमेरिका के पाले में चला गया है, ये जानकारी आ रही है। रूस अब अजरबैजान का खुलकर साथ दे रहा है। फ्रांस ने अब आर्मेनिया को हथियार देने की बात कही है। उत्तरी अफ्रीका के नाइजर में रूस के समर्थन की वजह से फ्रांस को नाइजर छोड़ना पड़ा। ये वाली की ग्राफिक्स लीजिए, ब्रेकिंग लीजिए, मनीष के पास चलिए। मनीष, फ्रांस रशिया को इरिटेट करने के लिए आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नाइजर में रशिया समर्थित ताकतों ने फ्रांस को गेट आउट कर दिया है, क्या यह बात सही है? देखिए निशांत, अगर मैं ये कहूं कि आर्मेनिया आज की तारीख में दूसरा यूक्रेन बनने की राह पर चल गया है तो गलत नहीं होगा। और उसी कड़ी में जब आर्मेनिया को पहले अमेरिका ने मदद देने की बात कही, फ्रांस भी दे रहा है, फ्रांस का सीधा सीधा कनेक्शन नाइजर के साथ आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर आर्मेनिया ऐसा करने की दुस्साहस करता है तो पूरी तरह से उनका नुकसान ही होना है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में भी देखा। अब देखिए नागोर्नो काराबाख वो खो चुके हैं, वो नहीं खोते अगर वो पश्चिमी देशों की तरफ नहीं गए होते। जब रूस को ये लगा कि आर्मेनिया, मनीष मैं समझ सकता हूं कि फ्रांस के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मेरे फ्रांस का लेकर यह सवाल है कि फ्रांस वर्सेस रशिया इस युद्ध में एक नया मोर्चा दिख रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए फ्रांस और रूस के बीच में जो अदावत है वो नाटो के जरिए तो दिखती है, और मुझे लगता है कि फ्रांस कभी नहीं चाहेगा कि रूस के साथ डायरेक्ट वो लड़ाई करे। डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की बात तो अब खुद अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कह दिया है कि बाइडेन भी नहीं चाहते। तो रूस और नाटो के बीच सीधी जंग होने वाली है, हो सकती है, चाहे वो आर्मेनिया में हो या यूक्रेन में हो। जी ठीक है मनीष, आप ये जो बता रहे हैं, इस सब के बीच में जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। आज की एक और बड़ी खबर, आप देखिए क्या है कहानी, प्ले करिए इसको जरा। हथियार खत्म, खेल खत्म, हथियार खत्म, खेल खत्म। ये क्यों कह रहे हैं हम? खत्म होने के कगार पर यूक्रेन का हथियार, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पुराने मोर्टार का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, ये देखिए जरा। फायरिंग के दौरान लॉन्चर में अटका मोर्टार, ये देखिए बेचारा कैसे निकाल रहा है, ये देखिए जरा। वर्ल्ड वॉर टू का मोर्टार दिखाई दे रहा है, ये देखिए जरा। ओहो, ये नाली में से कीचड़ नहीं निकाल रहे हैं, मोर्टार लॉन्चर में से मोर्टार निकाल रहे हैं, और बता रहे हैं ये इनकी कामयाबी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका के बाद ब्रिटेन में सैन्य मदद पर टेंशन, ब्रेक करिए। यूक्रेन की सैन्य मदद से मुश्किल में ब्रिटेन, ब्रिटेन में सैन्य हथियारों का संकट मंडराया। यूक्रेन को देने के लिए नहीं बचे सैन्य हथियार, ब्रिटिश न्यूज एजेंसी का सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं राहुल, जरा शॉर्ट दिखाइएगा, ये देखिए जरा। सीधे आइए, पीछे हट रहे मददगार, यूक्रेन पर मंडराया मंडराया हार। थोड़ा ग्रामेटिकली गलत है बट ठीक है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में सैन्य मदद को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये देखिए अब जो जानकारी आ रही है, ब्रिटेन में यूक्रेन को देने के लिए हथियारों की कमी हो रही है। फिर ब्रिटिश सीनियर अधिकारी का दावा, यूक्रेन को जितनी मदद हो सकती थी की गई। फिर ब्रिटेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम आर्टिलरी शेल्स का सूखा है, खत्म हो गए। जितने टैंक्स यूक्रेन को दिए जा रहे हैं उतने ब्रिटेन के पास कम हो रहे हैं। यूक्रेन को अब तक $7.5 बिलियन की सैन्य मदद दे चुका है ब्रिटेन। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। सहयोगियों को मनाने में जुटे जो बाइडेन, ब्रेक करिए। बाइडेन ने नेटो मेंबर्स के लीडर से की बात, राउंड नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। यूक्रेन को समर्थन जारी रखने के लिए मना रहे हैं बाइडेन। अमेरिकी मदद रुकने पर पश्चिमी देशों में संशय, यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए।
अमेरिकी सियासत की वजह से यूक्रेन के हथियार भंडार हो रहे हैं खाली। ब्रेक करिए। यूक्रेन की मदद के लिए पेंटागन के पास नहीं है पैसे। फंड और की में कमी से यूक्रेन को हथियार सप्लाई रुकी। पेंटागन ने यूएस कांग्रेस को बिल पास करने की दी चेतावनी। पैकेज में देरी यूक्रेन पर भारी पड़ेगी। पेंटागन भारी पड़ेगा, पेंटागन ने कहा है। सीधे आइए, इसकी वॉल दिखाइए राहुल, और इंग्लैंड वाली खबर जो है वो लीजिएगा ब्रेकिंग और शॉट इसकी वॉल की ट्रीटमेंट के साथ। यूक्रेन को हथियार देने से पेंटागन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये देखिए, पेंटागन के पास सिर्फ $1.5 बिलियन बाकी है। दिखाइए जरा, $1.65 बिलियन अगर मैं गलत नहीं हूं। ये देखिए, पेंटागन के पास सिर्फ इतने पैसे बाकी हैं यूक्रेन को देने के लिए, क्योंकि पेंटागन ने यूएस कांग्रेस को बिल पास करने की चेतावनी दे दी है। फिर दिखाइए, यूएस कांग्रेस में यूक्रेन को मदद का विरोध में रिपब्लिकन सांसद सामने आ गए हैं। ये जानकारी है। सीधे ये वाली वॉल लीजिए, बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन अमिताभ सर से। अमिताभ सर, घर में नहीं है हथियार, वो चले वर्ल्ड वॉर करने। ये हमेशा से डर था निशांत, मैं ये समझ रहा था कि ऐसा होगा ही, और जिस तरह से अमेरिका में पॉलिटिक्स चल रही है, अभी मैकार्थी को वहां के स्पीकरशिप से हटा दिया गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। अमेरिकी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंसेंस हो गई है इस पूरे वॉर को लेकर, और $24 बिलियन जो बाइडेन ने कहा था कि अभी वो पास कराएंगे, वो आने वाली नहीं है। इसके अलावा भी जी सर, प्लीज गो जी जी, उस जो वॉर पैकेज था वो देने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि वो देर से आएगा, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स ऐसी हो जाएगी कि अगले बार जब इलेक्शन होंगे अमेरिका में, तो यूक्रेन वॉर में एड देना एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, और शायद अगले टर्म में जो भी आए, ट्रंप आए या बाइडेन आए, उनके लिए यूक्रेन को पैसा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यूक्रेन के लिए ही नहीं, इंग्लैंड को आपने देख लिया, पोलैंड में आपने देख ही लिया, पोलैंड ने कहा अब हम अपने आप को आर्म करेंगे, उनके दो पड़ोसी रोमानिया और स्लोवेकिया दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब वो एड नहीं करेंगे। और यही नहीं, उनकी पॉलिटिक्स भी बदलती जा रही है इस पूरे वॉर में, उनकी पॉलिटिक्स को बदल दिया है। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, नौकरियां कम हो रही हैं, और सर मैं आपको एक कहानी यहां पर आप जो बता रहे हैं केविन मैकार्थी की, वो दिखाई देता हूं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर मैकार्थी को हटाया गया। ब्रेक करिए। रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी ही पार्टी के स्पीकर को हटाया। शटडाउन टालने के लिए फंडिंग बिल पास कराने से नाराज थे रिपब्लिकन। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन को फंड देने का दबाव बना रहे थे केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी पर डेमोक्रेट से समझौता करने का आरोप लगा। सीधे आइए बिग वॉल पर। केविन मैकार्थी, यानी कि अमेरिका के दूसरे सबसे शॉर्टेस्ट टर्म वाले स्पीकर, ये देखिए, इन पर यह आरोप लगा कि ये यूक्रेन को पैसा दिलवाने की अपनी तरफ से कोशिश करें, बावजूद इसके कि ये रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट्स की सरकार है। 216 के मुकाबले 210 वोट से केविन मैकार्थी को हटा दिया गया है। ये देखिए जानकारी है, रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी पार्टी के स्पीकर को हटाया। शटडाउन डालने के लिए फंडिंग बिल पास कराने से नाराज थे रिपब्लिकन। मैकार्थी ने सदन की कार्रवाई के अंतिम मिनट में स्टॉप गैप बिल पास करवाया। लेकिन बड़ी खबर सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी कुछ और चल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे दिखाइए राहुल। न्यूयॉर्क में यूक्रेन को युद्ध में मदद देने का भारी विरोध। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा, विजुअल दिखाइए। अमेरिका के न्यूयॉर्क से में सड़कों पर उतरे लोग, ये देखिए जरा, अमेरिका और नेटो के खिलाफ प्रदर्शन। रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने का आरोप। एक और खबर आ रही है जर्मनी से, ब्रेक करिए। यूरोप में भी युद्ध में यूक्रेन की मदद का विरोध। ब्रेक करिए, ये देखिए विजुअल दिखाइए। 30,000 जर्मन सड़कों पर उतरे।